एनसीईआरटी टेस्ट फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.3, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका मैंने आपको एक सवाल बताया था, सवाल नंबर 7, और आपसे कहा था कि आगे सवाल करिएगा। देखिए, एक सवाल है इसमें जो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ आपको, बस इनमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जिन्हें आप करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो सवाल हैं वो उदाहरण से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपकी आप क्वेश्चन बैंक लेंगे उसमें भी देखिएगा, ज़्यादातर जो सवाल हैं एनसीईआरटी में क्या होता है कि जो आपके एग्जाम्पल हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके एक्सरसाइज में वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दूसरी बुक्स में क्या होता है कि उदाहरण ही जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर। कभी कभी एक्सरसाइज में से आ जाते हैं क्वेश्चन, नहीं तो फिर उदाहरण में से ही आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है कि एक्सरसाइज और उदाहरण दोनों में ही अच्छे अच्छे सवाल होते हैं और वो आते हैं। तो आप करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसे बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार को मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल वैसे ही उदाहरण है, सवाल है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपका क्लियर कराया था, एग्जांपल नंबर 7 मीनार वाला। इसमें क्या था, एक लड़की खड़ी थी, उसकी छाया की लंबाई में ज्ञात करनी थी। इसमें क्या है, एक मीनार है, ठीक, एक खंभा है, खंभे की कुछ लंबाई है। इस बार क्या है कि हमें उस खंभे की जो लंबाई है वो नहीं वो पता है, और उसकी छाया की लंबाई भी पता है, ये पता है हमें, ठीक। हमें ये निकालना है, और इसकी भी छाया पड़ रही है तो इसकी छाया इसको ढक लेगी। क्यों ढक लेगी? क्योंकि अगर ये ढक गई नहीं इसको, तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ सूरज है, उसकी छाया यहाँ पर पड़ रही है, ठीक, या फिर बल्ब है यहाँ पे, उसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन बल्ब होगा तो इसकी छाया यहाँ कहीं पड़ जाएगी, इसलिए सूरज ही होगा। यहाँ सूरज है और उसकी छाया मीनार पे पड़ रही है और इस स्तंभ पे भी पड़ रही है, इसकी छाया ये बन रही है, इसकी छाया इतनी बन रही है। अब हमें देखिए, ये पूरी पता है, ये जो पूरी है ये कितनी है, देखिए ये हमें पता है 28 मीटर है, और ये देखिए इसकी लंबाई जो है वो है हमारे पास 6 मीटर, और जो छाया है वो 4 मीटर की बन रही है, ठीक। हमें ये निकालना है, ये देखिए इसको मिलाते हुए हम आगे ले जाएंगे और ये हो गया, ठीक। देखिए ये 90 है, क्योंकि स्तंभ और मीनार जो है वो 36 से समकोण का कोण बना रहे होंगे, ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, ये वाला भी कोण कॉमन है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो त्रिभुज है पूरा बड़ा वाला, ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। समरूप में हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो उसी उदाहरण की तरह हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सवाल था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए जो आपका अगला टॉपिक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इससे पहले देखिए, जो आपको सवाल ना आता हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर फेसबुक पेज पर जाके आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमें भेज सकते हैं, तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। बस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अब देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय हमसे ये कहती है, प्रमेय 6.6, कि दो समरूप त्रिभुज हैं उनके जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, मतलब कि ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। ए बी सी पी क्यू आर, ओके। अब जो एरिया है किसका, ए बी सी, ए आर का मतलब क्या है, एरिया, इसका अनुपात किसके साथ, एरिया पी क्यू आर के साथ,
वो किसके बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, मतलब ए बी संगत कौन सी है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू का अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए संगत तीनों है, तीनों को लिख देंगे क्या, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। अब हमने मान लिया कि कोई किसी भी बिंदु से डाल सकते हैं, बी से डाल सकते हैं, क्यू से डाल सकते हैं, आर पी सी ए किसी भी से डाल सकते हैं, लेकिन डायग्राम हमारा कैसे अच्छा लगेगा, ए से अगर हम डाल दें, इस वाले से, यहाँ से हमने इस पे एक लंब डाल दिया, यहाँ से हमने इस पे एक लंब डाल दिया। अब देखिए हमने नाम रख दिए दोनों के, इसका नाम हो गया एम, इसका नाम हो गया एन, तो ये कौन सा लंब है, ए एम और ये पी एन। अब ये हमने क्यों डाला, आपको याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, एक बटे दो आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब। तो देखिए आधार तो इसमें पता है, जैसे ये बी सी आधार है और लंब क्या है, ए एम। ओके अब देखिए एरिया निकालते हैं, चलिए ए बी सी का, ए बी सी का क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बटे दो आधार क्या है, बी सी, और लंब क्या है, ए एम। ऐसे ही देखिए एरिया हम निकाल लेते हैं किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का जब हम एरिया निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बटे दो इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अच्छा आधार तो ये भी है, आधार ये भी है, तो हमने क्यों नहीं लिया आधार, लंब हमने किस पर डाला है, ये वाला, इस पे, इस भुजा पे, तो आधार कौन सा लेंगे, ये वाला। अगर हम इससे इसमें लंब डालते तो ये वाला आधार हो जाता, ये वाला लंब हो जाता, आपका डाउट हो जा होगा उसे क्लियर कर दिया। ठीक अब देखिए इसको हम रेशियो में कर देते हैं, अनुपात में कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक तो हमें पहले ये ले आए, तो ये देखिए हमारे पास आ गया, तो 1/2 से 1/2 चला गया, क्या आ गया हमारे पास, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। ये देखिए इंपॉर्टेंट है प्रमेय, अच्छे समझिएगा, कोई भी डाउट अगर क्लियर ना हो आपका तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के समरूप है। अब हमें देखिए क्या करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू आर स्क्वायर लाना है, ये वाला। ठीक तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ए एम और पी एन को रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए एम सी और ए बी एम और पी क्यू एन में, इस छोटे वाले में देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर, क्योंकि लंब डाला तो 90-90 बराबर है आपस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये आप लिख लीजिएगा। ओके और इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि ए बी, क्या देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बी एम अपॉन क्यू एन। ओके अब देखिए ए एम अपॉन पी एन का हमें मान रखना था, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, ये से मैं आपको बोल रहा हूँ, बस आपको यही करना है कि इसको मान लेना समीकरण नंबर एक, फिर इसको दो, इसको वन, तो आप कह देंगे कि समीकरण नंबर दो से ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू हम किस पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर एक में। ठीक मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता देता हूँ, तो बी सी अपॉन क्यू आर अलग कर लिया इंटू ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू क्या हम रख सकते हैं, बी एम अपॉन क्यू एन रख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हम ए बी अपॉन पी क्यू रख देते हैं, क्योंकि अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू रख देंगे, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया मान, इसका क्या आ गया ए बी अपॉन पी क्यू। अब हम देखिए बी सी अपॉन क्यू आर का हमें मान निकालना है। देखिए बी सी अपॉन क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के समरूप है, तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर मतलब भुजाओं का अनुपात, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, लिख दिया हमने ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ देखिए रख दिया हमने मान, यहाँ इसका मान उठा के यहाँ रख दिया ए बी अपॉन पी क्यू इन टू ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे कि इसका मान मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके इसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर से लंबड़ा लेंगे, इधर से लंबड़ा लेंगे, देखिए हमारे पास ये सिद्ध हो जाएगा, इधर से लंबड़ा लेंगे, या फिर और भी आप तरीके कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इधर का मतलब ये वाला ना ये वाला मान नहीं लिया, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बात वही है अगर आप यहाँ से इस पर लंबड़ा डाल देंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा, और इसमें यहाँ से इसमें डाल देंगे, इससे इसमें डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इससे इसमें डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, समझ गए आप। बस आपकी ये वाली जो प्रमेय है इसकी मैंने आपको इम्प्रूवमेंट करा दी है, ये वाली जो प्रमेय है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा अगला सवाल जो है वो उदाहरण है उसे मैं बताऊंगा, और आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।